Hi everyone, how are you? I hope you're fine. My name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, in this video, we'll be talking about since and for. Both are the prepositions and used with have been, has been and had been. I would like to let you know what is the use of have been, has been and had been, why they are used and how they are used. Before I start anything, I would like to just let you know, since beginning I have tried to give you the easiest method so that you can use every topic in your language and start speaking. Today I am going to do the same. We'll be learning these all topics with the easiest method. Okay, so watch my video till end. Before I start, I would like to request, please do subscribe my channel, and if you seriously learn something from my videos, please like them and share them. And I'll be thankful to you if you drop your comment in the comment box. So let us start. Here you can see two words are written on the whiteboard. First is since and second is the for. तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंस की, ठीक है? First of all, we'll be talking about सिंस. तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी हुई है एस, एक लेटर लिखा हुआ है एस, ठीक है? तो सिंपल है, यहीं से हम क्लियर कर लेंगे. ऐसा कोई भी टाइम पूरी इंग्लिश में, ऐसा कोई भी टाइम जिसके पीछे एस लगा के आपको बोलने में अच्छा लगता है या बोलने में आप उसे कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वहां पर तो आप क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे. और ऐसा कोई भी टाइम जिसके पीछे एस लगाने के बाद आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपको बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वहां पर आप लगा देंगे सिंस. देखिए, वी आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. ग्रामर में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज में जितना इजी मेथड मिल जाएगा उतना ज़्यादा हमें फायदा होगा. कन्फ्यूजन नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी, डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर देंगे बिना कन्फ्यूज हो, राइट? तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि किसी टाइम के पीछे अगर आप एस लगाते हैं और वो आपको बोलने में ठीक लगता है, आपने सुना भी है ऐसा, और ऐसा हो जाता है, तो आप फॉर लगा देंगे. और एस नहीं लग पाता है तो आप क्या करेंगे, वहां पर सिंस लगा देंगे. जैसे ले लेते हैं, देखिए टाइम, लेट स्टार्ट फ्रॉम द क्लॉक. घड़ी में जैसे मान लीजिए 3 बज गए, 3 o'clock. तो आपने कभी ऐसे बोला है क्या, 3 o'clock या 3 o'clock? तो यहां पर कहीं पर भी एस लगाएंगे आपको अजीब लगेगा, ठीक है? तो ये किसके साथ में आ जाएगा, सिंस के साथ में आ जाएगा. अगर हम बात करें जो घड़ी होती है, ठीक है, वो पूरा 24 घंटे का टाइम दिखा रही होती है और 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है. तो अगर हम डेज की बात करें, ठीक है, दिनों की बात करें, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इनकी बात अगर हम करते हैं, इनके पीछे भी आप एस लगा के देखिए, आपको खुद को अजीब लगेगा, शायद आपने अभी तक लगाया भी नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे सिंस, यानी सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरीके से. फिर बात करते हैं, कोई ना कोई दिन होता है तो उसके ऊपर कोई डेट होती है, जैसे मान लो 20 तारीख है, 20th. डेट्स लिखने का तरीका ये होता है, बोलने का भी तरीका ये होता है. तो अगर हम बात करें डेट की, क्योंकि किसी ना किसी दिन पे कोई ना कोई डेट होती है, जैसे 20 तारीख आ गई, तो 20 तारीख में भी आपने कभी ऐसे नहीं लगाया होगा, 20th ऐसे नहीं बोला होगा, फर्स्ट ऐसे नहीं बोला होगा, ये अजीब लगती है थोड़ी सी. तो यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर भी आप सिंस लगा देंगे. अब ये जो डेट्स हैं वो कभी ना कभी किसी मंथ में आती है. मंथ की बात करें, जैसे जैन, फेब, ठीक है, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनकी बात करें तो यहाँ पर भी आपने कभी एस नहीं लगाया होगा, ना कभी सुना होगा. तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, वी विल बी यूजिंग सिंस. यहाँ पर भी सिंस यूज़ कर देंगे. जो हमारे मंथ्स होते हैं वो किसी ना किसी ईयर में आते हैं, जैसे कि 1920, 2020, तो इसमें भी आपने कभी एस नहीं लगाया होगा पीछे, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसको सिंस के साथ लगा देंगे, ठीक है? अब रही बात फॉर की, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए. अब हम बात करते हैं 3 घंटे, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3 hours. तो देखिए, अपने आप यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है, अपने आप आ रहा है, मतलब जो आर वर्ड है, एच ओ यू आर, उसमें एस लग सकता है, हमने सुना भी, हमने लगाया भी है, राइट, हमने लिखा भी होगा. तो ये जो वर्ड है इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर के साथ में, ठीक है? उसके बाद दिनों की बात करते हैं. जैसे मुझे 3 दिन हो गए, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे के आगे हम एस नहीं लगा पा रहे थे, बट जो डे वर्ड है, डे, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डे, तो डे के आगे लग सकता है, जैसे 4 days, ठीक है, देखो यहाँ पर लग गया. लेकिन संडेज, मंडेज ऐसा नहीं होता, ठीक है, 4 days, 5 days, 6 days, तो हमने लगा के देख लिया, हाँ अच्छा लग रहा है, लग पा रहा है और कंफर्टेबल है हम, तो इसको भी हम फॉर के साथ ले लेंगे. बात क्लियर हो रही है आपको मेरी? उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डेट्स की, ठीक है? तो डेट्स और डेज वो लगभग लगभग एक ही कैटेगरी को हमने लेके चल लिया है इसके अंदर, ठीक है? अब हम बात करते हैं महीनों की, जैसे 6 महीने, 6 months,
तो देखिए मंथ में एस लग जाता है, लेकिन जनवरी फरवरी में लगाते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या करेंगे यहाँ पर फॉर लगा देंगे। बात क्लियर हो रही है। ऐसी सालों की बात करेंगे जैसे 20 साल, तो 20 ईयर्स, तो वाई ए आर, इसमें भी आप एस लगा देते हैं लेकिन इनमें नहीं लग पाता है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, फॉर पे ले जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और मैं एक आपको आसान तरीका बता देता हूँ, इससे भी इजी है, तो आपने समझ लिया, ये कभी भी फेल नहीं होगा ये तरीका। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताया दूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जहाँ से भी हमने काम को शुरू किया, करते करते हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है काम को, ठीक है, जहाँ से भी आपने काम को स्टार्ट किया है, जिस भी समय से आपने काम को स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग टाइम पे तो हमेशा सिंस रहता है, और करते 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 आपको जितना भी समय हो गया है वहाँ के लिए हम लगा देते हैं फॉर, यानी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, ड्यूरेशन के लिए क्या लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं। और जहाँ पर हम उस काम को ख़त्म करने वाले हैं वहाँ पर तो हम क्या लगा देते हैं, टिल लगा देते हैं या बाय लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया। तो सिंस फॉर में मेरे को नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होना चाहिए। रही बात लास्ट की, जैसे पिछले हफ्ते से या पिछले साल से, कभी ऐसे भी हो जाता है, तो इसके साथ सिंस और फॉर दोनों लग जाते हैं, सिंस लास्ट, और अगर फॉर लगाते हैं तो फॉर द लास्ट, इस तरीके से। स्पोकन इंग्लिश में इतना ही काफ़ी होता है, इतने से ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी रही बात ग्रामर की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाके हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। मैंने आपको जो टिप्स दी हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि आप इनको अच्छे से ईजी मैथड में समझ सकें और बोलना स्टार्ट कर दें बिना कन्फ्यूज़न के, क्योंकि बोलते समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इन चीज़ों को सोचें, इसमें गणित लगाएं, इसमें रूल्स लगाएं, उसके बाद में फिर बोलें। जब तक तो हो सकता है हमारे आसपास जो माहौल बना बातों का वही ख़त्म हो जाए, इसलिए जल्दी से सोचें और जल्दी से निकाल दें, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि सिंस फॉर आ क्यों रहे हैं। सिंस फॉर आ रहे हैं हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन के लिए, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इन तीनों में से आप कोई सा भी लगा लीजिए, इनके साथ में वर्क प्लस आईएनजी जरूर रहेगा, ठीक है, वर्क प्लस आईएनजी ये जरूर रहेगा। अब जैसे मैं कहूँ मैं खेल रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम टीचिंग या आई एम प्लेइंग। समझ में आ रही है बात आपको, आई एम टीचिंग या फिर आई एम प्लेइंग, इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं टाइम जोड़ दूं आगे कि मैं पढ़ा रहा हूं 10 मिनट से, मैं पढ़ा रहा हूं सुबह से, टाइम जोड़ने की वजह से यहां पर हमें एम हटाना हो जाता है और यहां पर आएगा हैव बीन, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको इनका यूज सिखाई दिया, इनमें से जो आप चाहो वैसे रख देना, टाइम आप ध्यान रखिएगा क्या लगेगा। जैसे मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, तो मिनट में एस लग गया है इसलिए हम वहाँ पर 10 मिनट्स कर रहे हैं और फॉर लगा रहे हैं, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 2 बजे से, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, 2 o'clock में एस नहीं लग सकता इसलिए सिंस रख देंगे वहाँ पर। बात क्लियर हो गई। और 2 बजे से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आई स्टार्टेड टीचिंग यू, मैंने जो पढ़ाना शुरू किया था वो कब से किया था, 2 बजे से, इसलिए वहाँ पर सिंस लग गया। जो मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा था, इजी मेथड जिससे आप समझ सकते हैं, जहाँ से शुरू किया वहाँ पर आप सिंस लगा देंगे। और मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10 मिनट हो गए, पहले 1 मिनट हुआ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके पूरे 10 मिनट हो गए। सो फॉर 10 मिनट्स, यानी आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब एम, आई एम टीचिंग और आई हैव बीन टीचिंग में क्या फर्क हो गया, अगर आप ये बोलते हैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ द वर्क इज कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोल देते हैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं पास्ट से प्रेजेंट तक अभी तक लगातार काम कर रहा हूँ, और उसको मेंशन भी कर देते हैं कि इतनी देर से ये काम को कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लगाएंगे, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, वर्क प्लस आई एन जी। और अगर आप टाइम नहीं लगाते हैं, सिर्फ कंटिन्यूटी दिखाते हैं, तो इज एम आर और वॉज वर आई एन जी के साथ आ जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो ही आए या शी आए यहाँ पर हैज बीन लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ही पास्ट में बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं बोलूँ कि मैं सो रहा था, सिर्फ मैंने बोला है मैं सो रहा था, मैं बोलूँगा आई वॉज स्लीपिंग। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यार 10 घंटे से सो रहा था, पता नहीं क्या हो गया, मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, मैं 10 घंटे से सो रहा था, टाइम लगाते ही, तो इज एम आर की जगह पर तो हैव बीन, हैज बीन आ गए, तो वॉज वर की जगह पर हैड बीन आ जाएगा, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स। बात क्लियर हो गई आपको, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, क्लियर हो गया। कुंभकर्ण सो रहा था 6 महीने से, कुंभकर्ण हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 मंथ्स। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है सिंपल, हमें क्या कर देना है, इसको पहले रख देना है या बीच में यू आ जाएगा ऐसी, इसको पहले रख देना, ही शी रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप 3 महीने से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 3 मंथ्स,
क्या वो एक घंटे से नाच रही है, has she been dancing for one hour, ऐसे करके बात क्लियर हो गई यहाँ तक। लेकिन हमें सीधे सीधे ड्यूरेशन जाननी है कि आप कब से पढ़ा रहे हो, आप कब से यहाँ बैठे हो, बारिश कब से हो रही है, वो कब से जॉब कर रहा था वहाँ पर। तो ऐसे में मैंने आपको एक क्वेश्चन वर्ड सिखाया था हाउ लॉन्ग, जो कि ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। हाउ लॉन्ग लगाइए, उसके बाद आगे सेम सेंटेंस रख दीजिए, ठीक है। फिर आगे टाइम मत रखना, समझ में आ रहा है ना, टाइम नहीं रखना है क्योंकि टाइम जानने के लिए तो हाउ लॉन्ग यूज कर ही रहे हैं हम। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस, आप कब से लिख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग, आप कब से वहाँ जॉब कर रहे थे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन डूइंग जॉब देयर, राइट। आप कब से नाच रहे थे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन डांसिंग। अगर हम बात करें इट की तो कैसे हो जाएगा, कब से बारिश हो रही है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, ठीक है। आप कब से पढ़ा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर आप देना सीख ही गए हैं, और इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें होता ही नहीं है। बाकी लैंग्वेज में जो बोलने के लिए होता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में तो देखो जितना डीप चले जाओ उतना कम पड़ जाता है, कुछ ना कुछ आपको नया मिल ही जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आप इसे यूज़ करिए लैंग्वेज के अंदर, जब भी आपको मौका मिले ऐसे सेंटेंसेस बोलने का, जैसे इंटरव्यूज़ के दौरान अक्सर ऐसा हो जाता है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं तब बोलना पड़ जाता है कि पहले मैं उस जॉब में इतने समय से जॉब कर रहा था, उस जॉब में इतने समय से था, या उसके बाद फिर मैंने जॉब चेंज करी, फिर उस टाइम पे मैं इतने समय से था, तब वहाँ पर ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ आप इसे यूज़ करिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं आपसे, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और सपोर्ट के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप सब लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।